तेलंगाना राज्य के ज्यादातर सरकारी स्कूलों में मिड डे मील नहीं पहुंचा है। लाखों छात्रों को पिछले कुल हफ्तों में विशेष रूप से 1 अगस्त से 8 अगस्त तक छात्र के मिड डे मील के तहत दोपहर का भोजन नहीं मिल पाया है। बताया जाता है कि प्रतिष्ठित मिड डे मील स्कीम के लिए चावल उपलब्ध हो पाए हैं, इसमें प्रक्रियागत विफलताओं, आपसी झगड़े और उदासीनता के कारण चावलों की ठीक से आपूर्ति नहीं की जा रही है। सरकारी स्कूलों के अधिकारियों ने कहा था कि 1 अगस्त के बाद से छात्रों के लिए मिड डे मील की सेवा नहीं दे पाए क्योंकि उनके पास चावल का स्टॉक नहीं था। स्थानीय नेताओं और माता पिता ने भोजन की सेवा में उनकी नाकामी विफलता के लिए स्कूल के प्रबंधक को जिम्मेदार ठहराया। धन और पर्याप्त चावल के स्टॉक की उपलब्धता के बावजूद आवंटित चावल की मात्रा समय पर स्कूलों तक नहीं पहुँच पा रही है, जिससे हेडमास्टर्स आसान विकल्प का इस्तेमाल करते हुए दोपहर के वक्त छात्रों को दिए जाने वाले भोजन की सेवा बंद कर देते हैं। हर महीने चावल की आपूर्ति में देरी से परेशान शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने सरकार को प्रक्रिया को सरल कराना चाहती है ताकि मिड डे मील को बिना किसी बाधित बाधाओं के पूरा किया जा सके। सरकार के कामकाजी दिनों में दौरान दोपहर में लगभग 29 लाख विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन की सेवा उपलब्ध कराती है। मिड डे मील स्कीम के हिस्से के रूप में स्कूल, केंद्र और राज्य सरकार इस योजना के लिए धन प्रदान करती है।